हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के बारे में। उर्मिला मातोंडकर को शायद आप नहीं जानते हों, लेकिन इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल मूवी दी हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है उर्मिला मातोंडकर और ये प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल एंड पॉलिटिशियन हैं। इनका जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 50 ईयर हो चुकी है। अब इनके फिजिकल स्टेटस देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'10" 3.5 इंच लगभग 161 सेंटीमीटर है। आई कलर ग्रेस एंड हेयर कलर ब्राउन है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो उर्मिला ने अपने कॉलेज की पढ़ाई डीजी रूपारेन कॉलेज मुंबई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीए की हुई है फिलोसोफी में। दोस्तों, उर्मिला का जन्म एक साधारण हिंदू मराठी परिवार में हुआ था। वह स्कूल में बहुत पढ़ाई में होशियार लड़की थी। आप देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो उर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बीआर चोपड़ा की करण मूवी से 1977 में की। और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उर्मिला ने कलयुग, मासूम, भावना, सुर संगम, डेकेड, बड़े घर की बेटी मूवी में काम किया। और मैं आपको बता दूं, एज ए लीड रोल डेब्यू किया था इन्होंने मलयालम मूवी से, जिसका नाम था चाणक्य, जो कि 1989 में आई थी, जिसमें इनका करेक्टर रेनू का था। और वहीं हिंदी मूवी में डेब्यू किया था इन्होंने नरसिम्हा मूवी से, जो 1991 में आई थी, जिसमें इनका कैरेक्टर मीनू का था। और इन्होंने मलयालम और हिंदी के अलावा तेलुगु एंड तमिल मूवी में भी काम किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू तमिल मूवी का नाम था एंथम, जो कि 1992 में आई थी। और इनकी फर्स्ट डेब्यू तमिल मूवी का नाम था इंडियन, जो 1996 में आई थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया, जिनमें से कुछ नाम हैं चमत्कार, श्रीमान आशिक, कानून, आग अली लग्जा, दौद, मेरे सपनों की रानी, अफलातून, छोटा चेतन, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, मस्त, दिल लगी, कुवारा, जंगल, दीवार, ओम जय जगदीश, दीवानगी, नैना, कर्ज, ईएमआई। हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। और इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में एज अ कॉमिक रोल एंड एज अ स्पेशल एपरियंस भी काम किया। और साथ ही साथ इन्होंने टीवी में भी काम किया। इन्होंने फर्स्ट टाइम टीवी में डेब्यू किया था झलक दिखलाजा सीजन 2 से, जो कि साल 2007 में आया था। उसके बाद ये चक धूम धूम, डांस महाराष्ट्र, डीआईडी सुपर मॉम। और साथ ही साथ इन्होंने एज अ होस्ट डेब्यू किया था बाल परिवार से। और ये एक एक्टर के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इन्होंने 27 मार्च 2019 को उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। हालांकि उन्होंने 10 सितंबर 2019 को पार्टी के नेतृत्व और दूरदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए पार्टी को छोड़ दिया। और बाद में 1 दिसंबर 2020 को एक्ट्रेस, पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गई थी। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम श्रीकांत मातोंडकर है, इनकी मदर का नाम सुनीता मातोंडकर है। इनकी दो सिस्टर भी हैं जिनका नाम ममता मातोंडकर एंड सेकंड का नाम पूजा मातोंडकर है। इनके ब्रदर का नाम केदार मातोंडकर है, जो प्रोफेशन से इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन हैं। और इनके बेस्ट फ्रेंड हैं मनीष मल्होत्रा, जो कि फैशन डिजाइनर हैं, एंड पौलमी संघवी, जो कि ज्वेलरी डिजाइनर हैं। और इनके हस्बैंड का नाम मोनिस अख्तर मीर है, जो प्रोफेशन से मॉडल एंड बिजनेसमैन हैं। इनकी मैरिज 3 मार्च 2016 को हुई और सितंबर 2024 में खबर फैलने लगी कि इन्होंने शादी के 8 साल बाद 4 महीने पहले अपने पति से तलाक की अर्जी दी है। अब इनके हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको स्टडी, एक्टिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर है। तो ये अपनी फैमिली के साथ 93/14 लोखंडवाला रोड, अंधेरी बेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में रहती हैं।
अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज एंड हुंडई की i20। अब इनके इनकम एंड सैलरी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार ये लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये पर मूवी का चार्ज करती हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं लगभग 165 करोड़ रुपये बनती है। तो ये थी उर्मिला मातोड़कर की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।